नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित आप देख रहे हैं मोटर और यह है टाटा सफारी अब इसका बहुत ही डिटेल रिव्यू मैंने पहले कर दिया है लेकिन कई बार आपकी शिकायत होती है कि हमारे वीडियोस बड़े लंबे होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको बहुत ही जल्दी इस गाड़ी के सारे प्रोज और कॉन्स इस बड़े ही क्रिस्प वीडियो में बताऊँ तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शुरू करेंगे प्रोज़ के साथ और इस गाड़ी का सबसे पहला प्रो जो है वो है इसकी डिज़ाइन जस्ट लुक एट दिस और ये सेवन सीटर होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से स्टाइल्ड है बहुत अच्छा लगता है देखने में और अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो ये गाड़ी सेवन सीट्स अकोमोडेट करने के बाद में भी ज़्यादा ओवरहैंग नहीं दिखाती है और बहुत ही अच्छे से स्टाइल्ड है तो स्टाइलिंग इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रो है दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है हेडरूम और ये स्टेप रूफ जो है ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बहुत सारा हेड रूम लिबरेट कर देती है तीसरा बड़ा एडवांटेज 18 इंच व्हील्स आपको हेरियर से एक इंच ज़्यादा बड़े व्हील्स मिलते हैं चौथा बड़ा एडवांटेज जनरस स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज बिन्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप चाहे डोर पैनल की बात करें जहाँ पर आपके पास अम्ब्रेला होल्डर के साथ साथ बॉटल होल्डर और ज़्यादा स्पेस है आमरेस के अंदर के स्टोरेज की बात करें बड़े ग्लव बॉक्स की बात करें पीछे के डोर पैनल्स की बात करें या फिर डैशबोर्ड के नीचे के स्पेस की बात करें यहाँ पर आपके पास आपके सारे छोटे मोटे सामानों के लिए पूरी जगह मिलेगी पाँचवा एडवांटेज थर्ड रो स्पेस यहाँ पर बहुत जेनरस है और अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ जैसे कि हेक्टर प्लस के मुकाबले यहाँ पर आपको बेहतरीन नी रूम और हेड रूम मिलता है सिक्सथ एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलता है जेनरस बूथ स्पेस सेवन फिफ्टी लीटर्स का बूट स्पेस जब आप थर्ड रो को डाउन कर दें और सिक्सटीन फिफ्टी एट लीटर्स का बूट स्पेस जब आप सेकेंड रो को डाउन कर दें सेवंथ एडवांटेज नाइन स्पीकर जे बी एल ऑडियो सिस्टम जो कि बेहतरीन साउंड करता है और इस सेगमेंट का शायद सबसे अच्छा साउंड करने वाला ऑडियो सिस्टम है नंबर एट यहाँ पर सीट्स जो हैं बहुत ही कम्फर्टेबली डिज़ाइन है फ्रंट रेयर और मिडल रो सभी सीट्स पर आपको बेहतरीन कम्फर्ट मिलता है नंबर नाइन यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्राइविंग मोड्स ईको सिटी और स्पोर्ट और उसके साथ आपको मिलते हैं ट्रैक्शन मोड्स रफ रोड सिटी और वेट मोड नंबर टेन यहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नंबर इलेवन यहाँ पर आपको मिलता है बॉस बटन जिससे कि आप फ्रंट पैसेंजर के पीछे बहुत ज़्यादा लेगरूम लिबरेट कर सकते हैं सिर्फ एक लेवर को पुश करके नंबर ट्वेल्व सफारी में है बिल्कुल नए दिखने वाले इंटीरियर्स ऑइस्टर वाइट और एशफ ग्रे के साथ और ये बहुत ही प्रीमियम नज़र आते हैं नंबर थर्टीन यहाँ पर आपको सिक्स या सेवन सीट ऑप्शन मिलती है तो आप चाहें तो सेकेंड रो के अंदर कैप्टन सीट ले लें या फिर बेंच सीट नंबर फोर्टीन यहां पर आपको मिलता है कोल्ड आर्म रेस्ट स्टोरेज तो वहाँ पर अगर आप कोई पेय पदार्थ का छोटा बॉल रखना चाहें तो वो कूल cool रहता है हालांकि यहाँ पर कल्ड ग्लोब बॉक्स आपको नहीं मिलेगा नंबर फिफ्टीन यहाँ पर आपको डीजल के साथ मिलता है ऑटोमेटिक ऑप्शन जो कि आपको एमजी हेक्टर में नहीं मिलेगा नंबर सिक्सटीन सफारी की सनरूफ बहुत ही वाइड है हालांकि ये लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसका साइज बहुत बड़ा है और इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है तो इसका जो साइज़ है अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नंबर सेवनटीन सफारी का टर्बो डीजल इंजन बहुत ही लीनियर है और एक डीज़ल टर्बो इंजन होने के बावजूद यहाँ पर टर्बो लैग बहुत ही मिनिमल है तो उसे यूज़ करना सिटी में भी बहुत आसान है नंबर एटीन इसकी सिटी यूज़ेबिलिटी को इसके स्लिक गियर शिफ्ट्स भी काफ़ी अच्छा बना देते हैं यहाँ पर मामूली सा रबरीनेस है लेकिन फिर भी ये काफ़ी इजी टू शिफ्ट गियर बॉक्स है नंबर नाइनटीन सफारी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है सिटी में आपको 14, 15 और हाईवे पर अप टू 19, 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी लेकिन ये फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी आपको मैनुअल में ऑटो की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है वहाँ पर आपको 8 से 13 तक की फ्यूल एफिशियंसी मिलेगी नंबर ट्वेंटी एक बड़ी वन टन से भी ज़्यादा भार की गाड़ी होने के बावजूद भी ये काफ़ी तेजी से स्प्रिंट करती है और जीरो टू हंड्रेड अपना करती है एलेवन सेकेंड से ज़रा ज़्यादा में जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा टाइम है और ये बात मैं कर रहा हूँ मैनुअल की ट्वेंटी सफारी की राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है थोड़ी फर्म है स्लो स्पीड पर लेकिन एक नॉर्मल स्पीड पर जाने के बाद में ये काफ़ी प्लश हो जाती है और मैनुअल वर्जन की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ऑटोमेटिक की जो राइड क्वालिटी है वो ज़रा फर्म साइड पर है नंबर ट्वेंटी टू सफारी अपने सेगमेंट की सबसे वाइड गाड़ी है जिसका मतलब ये है कि आप मिडिल रो में तीन लोगों को बड़े आराम से बिठा सकते हैं और लंबे सफ़र के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल और बड़ी ही खुली खुली सी गाड़ी लगती है तो दोस्तों ये तो बात हो गई सारे प्रोज की लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो चलिए हम लोग उन सारे नेगेटिव्स की भी झटपट बात कर लेते हैं नंबर वन यहाँ पर आपको एल लाइटिंग नहीं मिलती है और ये जो हैडलैम्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एच आई डी जेनॉन हेडलैम्प्स हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर एल ई डी फ्रंट हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे नंबर टू यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नंबर थ्री यहाँ पर आपके पास एक 360 डिग्री कैमरा नहीं है जो कि आजकल बहुत कम कीमत वाली गाड़ियों में भी उपलब्ध है नंबर फोर जो कैमरा यहाँ पर दिया गया है उसका भी रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकता था हालांकि वहाँ पर वाइड एंगल है लेकिन रेजोल्यूशन इस सेगमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से ज़रा लो रेज़ है और वहाँ पर बेहतर रेजोल्यूशन डेफिनेटली होना चाहिए नंबर फ़ाइव केबिन के अंदर डोर्स अनलॉक करने के लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है आपको डोर्स पुल के ऊपर जो नॉच है उसे ही क्लिक करना होता है और मेरे ख्याल से एक डोर अनलॉक बटन यहाँ पर होना चाहिए था नंबर सिक्स बहुत ही कम कीमत की गाड़ियाँ भी आजकल वायरलेस चार्जिंग उपलब्ध करवाती हैं लेकिन वो यहाँ पर आपको मुहैया नहीं करवाई गई है तो वायरलेस चार्जिंग करना होना भी एक डिसएडवांटेज है नंबर सेवन ड्राइवर खास तौर पर जब मैनुअल बोर्ड में गाड़ी चलाता है तो लेफ्ट फुट जो है वो कभी कभी फाउल करता है अगर आप लंबे कद के हैं तो आपका लेफ्ट फुट जो है वो डैशबोर्ड का जो पैनल है उसके साथ फ़ाउल करेगा नंबर एट जो ड्राइवर साइड फुटवेल है वहाँ पर स्पेस ज़रा कम है वहाँ पर डेड पेडल भी है और क्लच पेडल के पास जब आप डेड पेडल से स्विच करते हैं तो आपका जो फुट या फिर जूता है वो पेडल के साथ फाउल करता है और ये भी मेरे ख्याल से एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व की जा सकती थी यहाँ पर फुटवेल में ज़्यादा स्पेस होना चाहिए था नंबर नाइन इस तरह की गाड़ी के लिए ग्लो बॉक्स का कोल्ड cool ना होना एक डिसएडवांटेज है और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस तरह की गाड़ी में मुझे एक कोल्ड ग्लो बॉक्स मिले नंबर टेन यहाँ पर ये सफारी होने के बावजूद किसी तरह का कोई ऑल व्हील ड्राइव या फिर फोर बाय फोर सिस्टम नहीं है और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर ट्रैक्शन मोड्स हैं लेकिन सफारी होने के नाते यहाँ पर एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ज़रूर होना चाहिए था लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो गाड़ी है ये काफ़ी अच्छे से अपनी लाइन पकड़ के चलती है इसका राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है पॉइज़ काफ़ी अच्छा है लेकिन इसका स्टीयरिंग काफ़ी वेग है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है अगर आप इसे एक इन्वॉल्विंग एस जैसे कि जीप कॉम्पस के साथ में कंपेयर करें तो वहाँ पर स्टीयरिंग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्विंग है और ये भी एक डिसएडवान्टेज है उम्मीद करता हूँ कि इस क्विक वीडियो के द्वारा आपको टाटा सफारी के सारे प्रोज़ और कॉन्स पता चल पाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाएँ तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ